बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग CSS, PMS एंड PCS। द टॉपिक इज़ न्यूक्लियर डिटरेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू न्यूक्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान। इन दिस टॉपिक वी विल गो थ्रू डिटरेंस इन न्यूक्लियर एज, कंपोनेंट्स ऑफ डिटरेंस, फॉर्म्स ऑफ डिटरेंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि डिटरेंस किसे कहते हैं। डिटरेंस इज एक्चुअली अ स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट और डिसकरेज अनदर स्टेट और एक्टर फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन दैट इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल और थ्रेटनिंग। द गोल ऑफ डिटरेंस इज टू कन्विंस द अदर पार्टी दैट द कॉस्ट्स ऑफ टेकिंग द अनडिजायरेबल एक्शन would outweigh the potential benefits। देखो deterrence की अगर हम एक और definition देखें, deterrence उसे भी हम कहते हैं like एक strategic interaction that relies on threats usually of military retaliation that constitute commitments to use force in the event of aggression। simple इसका मतलब ये है, एक government कोशिश ये कर रही होती है कि दूसरी government उस पर attack ना करे। मतलब इसकी मिसाल ये है कि जैसे अमेरिका कोशिश ये कर रहा होता है कि USSR उस पर हमला ना करे, मतलब रशिया उस पर हमला ना करे, और रशिया ये कोशिश कर रहा होता है कि अमेरिका उस पर हमला ना करे। हमले से रोका जाए, यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट को हमले से रोकता है या उसे किसी ना किसी तरह उसे रोका जाए, उसको फ्राइटन करके हमले से रोका जाए, मतलब उसे खौफजदा करके हमले से रोका जाए, उस स्टेट को ये कहा जाता है कि कंसिक्वेंसेस बुरे भुगतने होंगे। इट मींस अमेरिका जो है रशिया को कहता है कि अगर आपने अटैक किया तो इसके कंसिक्वेंसेस बुरे भुगतने होंगे, या यूएसए को कहता है कि अगर आपने अटैक किया तो आपको भी जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बुरे भुगतने होंगे। इन सिंपल टर्म ये जो डिटरेंस का मतलब क्या है, डिटरेंस जो वर्ड है इसका मतलब है टू फ्राइटन समवन। इट मींस इट्स ऑल अबाउट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट स्टेट्स। एक स्टेट दूसरे स्टेट को फ्राइटन करता है, खौफजदा करता है कि अगर आपने ये स्टेप उठाया तो आपको इसके कंसिक्वेंसेस जो है बुरे भुगतने होंगे। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं कोरिया और डोनाल्ड ट्रंप की। अब इसके हमारे पास दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस बाय डैनियल, दिस टाइप ऑफ डिटरेंस सीक्स टू मेक इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर द अदर पार्टी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट। दिस कैन बी डन थ्रू मेजर्स सच एज मिलिट्री डिफेंस सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस। मतलब ये उस टाइप की डिटरेंस है जिसमें जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं, यानी पाबंदी वगैरह लगाना, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट पे कि अगर आपने ये स्टेप उठाया तो आपके साथ या आपकी जो इकोनॉमी है या जो चीज़ें हैं उस पर ये सैंक्शंस लगेंगे, उस पर ये जो है लाइक इन चीज़ों को बैन किया जाएगा। तो ये जो है उस टाइप में आता है डिटरेंस बाय डैनियल। डिटरेंस बाय पनिशमेंट, इसमें ऑब्वियसली वर्ड पनिशमेंट यूज़ है तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को सजा देना, किसी स्टेट को। दिस टाइप ऑफ डिटरेंस सीक्स टू कन्विंस द अदर पार्टी दैट द कॉस्ट्स ऑफ टेकिंग द अनडिजायरेबल एक्शन वुड बी सेवर सच एज थ्रू द थ्रेट ऑफ मिलिट्री रिटेलेशन और इकोनॉमिक पेनल्टीज। अच्छा, इसमें भी इकोनॉमी का भी जिक्र आता है और साथ में मिलिट्री वर्ड भी यूज हुआ। इट मीन्स मिलिट्री जो है बदला लेगी। रिटेलेशन का मतलब क्या है, बदला, यानी रिवेंज, बदला लेना, ठीक है। तो मिलिट्री जो है उसको सजा देगी उस स्टेट को अगर उसने कोई ऐसी अनडिजायरेबल एक्शन जो है कदम उठाए जो अनडिजायरेबल हो, तो कौन उसे सजा देगी, वही स्टेट देगी, और वो मिलिट्री के फॉर्म में भी हो सकती है या इकोनॉमिक पेनल्टीज भी हो सकती है। रोमन एक प्रोवर्ब है कि सीवेस पैसियम पारा बेलियम, इसका मतलब ये है, इट मींस इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आपको पीस चाहिए तो अपने आप को प्रिपेयर करें वॉर के लिए, ठीक है। और फिर ये जो डिटरेंस है इसमें आपके कॉस्ट, यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, पैसिवली थ्रेट्स वगैरह होते हैं, ये सारी दी जाती है, ठीक है। मतलब समटाइम्स मिलिट्री का भी यूज़ किया जाता है। अब ये तो सिंपल आपको डिटरेंस और टाइप्स ऑफ डिटरेंस। अभी जो आगे हैं वो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहला है, जैसे मेन चीज़ है वो है थ्री कंसेप्ट्स इन डिटरेंस इन न्यूक्लियर एज। सबसे पहला कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस एंड फिज़िकल इंटीग्रिटी। जो भी, इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंस एंड फिज़िकल इंटीग्रिटी, जो भी स्टेट्स हैं
न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने के बाद स्टेट्स को इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंटीग्रिटी की एक अथॉरिटी मिल गई है, तो इनको थ्रेटन नहीं कर सकती। मतलब जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएस है, रशिया है, चाइना है, ये ऐसे स्टेट्स हैं कि इनको आप थ्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ठीक है, इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे हैव फिजिकल इंटीग्रिटी। इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के बाद स्टेट्स को इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंटीग्रिटी की एक अथॉरिटी मिल गई है, तो इनको थ्रेटन नहीं कर सकती। लिमिट्स ऑन वायलेंस दूसरा पॉइंट है। इसका सिंपल मतलब ये है, दोनों वायलेंस की तरफ नहीं जाती। मतलब जैसे अगर हम बात करें यूएसएसआर, जैसे रशिया है एंड यूएसए है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई बम या कोई एटॉमिक बम या कोई न्यूक्लियर बम यूज़ किया तो दूसरा भी यूज़ करेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंडिया पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम यूज़ करता है या इंडिया यूज़ करता है तो ऑब्वियसली दूसरा मुल्क भी यूज़ करेगा। इट मीन्स पाकिस्तान अगर यूज़ करता है तो इंडिया यूज़ करेगा, इंडिया यूज़ करता है तो पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसी तरह अगर यूएसए यूज़ करता है तो रशिया भी यूज़ करेगा, अगर रशिया यूज़ करता है तो यूएसए भी यूज़ कर लेगा। सो इट्स ऑल अबाउट लिमिट्स ऑन वायलेंस, इन चीज़ों पर लिमिट होनी चाहिए। ऑफेंस डिटरेंस, सॉरी यहाँ पे मैंने डिटरेंस लिखा, ये डिफेंस है। ऑफेंस डिफेंस बैलेंस, जो वीकर स्टेट्स हैं उनको इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो वीकर स्टेट्स होते हैं उनको पता है कि उनकी डिफेंस में दूसरी जो न्यूक्लियर स्टेट ज़रूर बोलेगी, क्योंकि कोई न्यूक्लियर स्टेट जब वीकर स्टेट पे हमला करेगी तो दूसरा जो या जो दूसरी न्यूक्लियर स्टेट जो है वो वीकर स्टेट को डिपेंड करेगी और एक बैलेंस रहेगी पूरी दुनिया में, एक बैलेंस रहेगी। मतलब वीकर स्टेट जो है वो खौफज़दा नहीं है किस चीज़ से, न्यूक्लियर स्टेट से। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर ये जो न्यूक्लियर स्टेट है अगर वो मुझ पे कोई बम यूज़ करेगा या कोई न्यूक्लियर एटॉमिक बम यूज़ करेगा तो क्या होगा, दूसरा जो न्यूक्लियर एटॉमिक बम वाला स्टेट होगा वो मेरे फेवर में बोलेगा या मेरे हक में होगा, वो भी उसी तरह यूज़ करेगा। ठीक है, आते हैं फिर कंपोनेंट्स ऑफ डिटरेंस। कंपोनेंट्स ऑफ डिटरेंस में सबसे पहला है कैपेबिलिटी। देखो कैपेबिलिटी का क्या मतलब है, द पोजिशन ऑफ सफिशेंट न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स टू इम्प्लिसिट अनएक्सेप्टेबल डैमेज ऑन एन एडवर्सरी। इसका मतलब ये है एक्चुअल पोजिशन, वॉर लीड्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन सब का होना तभी अपना डिफेंस कर पाएगी कोई स्टेट। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे मिसाइल्स हैं, ठीक है, वॉर हेड्स हैं, एक्चुअल पोजीशन अगर आपकी है, तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास होगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई स्टेट भी जो है अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अमेज्ड लार्ज एरसेनल्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इंक्लूडिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसको हम ICBMs भी कहते हैं, सब मेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। दिस कैपेबिलिटी इंश्योर दैट ईच साइड कुड इंप्लिसिट डिवेस्टिंग डैमेज टू द अदर्स थस डिटरिंग डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। मतलब इन दोनों के पास इतना असलहा था कि इनको पता था कि अगर हम यूज़ करेंगे तो दूसरा जो है वो ज़रूर यूज़ कर पाएगा, और क्या पता हमारी मिलिट्री जो है फिर एक दफ़ा आमने सामने हो, जैसे World War II, World War I में बहुत से स्टेट्स के आपस में क्लैशेस हुए थे, बहुत बड़ी वॉर थी दोनों की, चाहे वो US की थी या USSR की थी। ठीक है, तो इट मींस कैपेबिलिटी दोनों की है, दोनों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को जो है लाइक तबाह कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, पहला है कैपेबिलिटी, दूसरा है कम्युनिकेशन। द क्लियर एंड कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ अ कंट्रीज न्यूक्लियर पॉलिसीज डॉक्ट्राइंस एंड रेड लाइंस टू पोटेंशियल एडवर्सरीज टू रीइंफोर्स डिटरेंस एंड अवॉइड मिसकैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई लाइक एग्रेशन की तो वो अनएक्सेप्टेबल है और आपको इसके कंसिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे और पनिश किया जाएगा। मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट को ये कहता है कि अगर आपने कुछ ऐसा स्टेप उठाया तो इससे क्या होगा, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उससे क्या होगा, आपको इसके बुरे लाइक जो रिज़ल्ट होगा वो बुरा रिज़ल्ट होगा। बुरा रिज़ल्ट से मुराद ये कि आपको भी तबाह किया जाएगा।
एग्जाम्पल क्या है? द कंसेप्ट ऑफ रेड लाइन्स इन न्यूक्लियर डिटरेंस रियलाइज ऑन इफेक्टिव, मतलब एक रेड लाइन दी जाती है, ठीक है। ऐसे हमने बताया, हम यूज़ करते हैं ना ये वर्ड कि आपके लिए एक वार्निंग है या एक रेड लाइन है। ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू कन्वे व्हाट एक्शंस वुड ट्रिगर, जैसे यहाँ पे मैं ये पूरा रीड आउट नहीं करूँगा, आप लोग खुद रीड आउट करें। मैं यहाँ पे सिंपल आपको बताता हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या है। नेटो के बारे में, नेटो जब बनी थी तो नेटो ने सब जो जितने भी मालिक थे दुनिया में उन सबको वार्न किया था, आगाह किया था कि भाई अगर आपने जो हमारे मेम्बर्स हैं उनमें से किसी भी मुल्क पर हमला किया तो ये सारे मुल्क जो है आपके खिलाफ होंगे, ठीक है। इट मीन्स आप पे अटैक करेंगे। यूरोप के जितने भी मालिक थे उस वक्त नेटो में, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इनमें से किसी पे एक पे भी अटैक होता है तो दूसरे सारे मिलके उस पर अटैक करेंगे। तो ये एक किस्म की कम्युनिकेशन बन गई थी आपस में इनकी, मतलब दुनिया को ये कम्युनिकेट कर रहे थे। क्रेडिबिलिटी, लास्ट पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। द बिलीव बाई पोटेंशियल एडवर्सरीज दैट अ कंट्री प्रोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैज़ द विल एंड रिजॉल्व टू यूज़ दैम इन रिस्पॉन्स टू एग्रेशन, मतलब एक स्टेट के पास इतनी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो एग्रेशन के टाइम यानी जंग के टाइम उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। उसे कोई भी रिजॉल्व नहीं कर सकता, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा जो है जैसे एक मुल्क है, ठीक है, मिसाइल क्राइसिस 1962, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, ये अमेरिका से थे, रिजॉल्व द इन्फोर्स अ नेवल ब्लॉकेड अराउंड क्यूबा एंड हिज विलिंगनेस टू कंसिडर मिलिट्री अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इफ नेसेसरी डेमोंस्ट्रेटेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ US। तो इन्होंने ये मतलब इन ये इल्ज़ाम किस पे लगाया गया था कि भाई जो क्यूबा में मिसाइल्स इंस्टॉल किए गए थे वो किसने इंस्टॉल किए? USSR ने। तो अमेरिका ने वार्निंग दी थी कि हम कुछ ऐसा करेंगे USSR के साथ कि उसे पता चल जाएगा कि हम कितने कैपेबल हैं, यानी हमारे अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है किसी भी मुल्क को तबाह करने में, ठीक है। ये हुक्म लाइक किसकी तरफ से था? जॉन एफ कैनेडी से। न्यूक्लियर डिटरेंस दिस रिजॉल्व कम्बाइंड विद न्यू क्लियर कम्युनिकेशन टू द सोवियत लीडरशिप, मतलब ये क्लियर कम्युनिकेशन थी किसकी तरफ? सोवियत की तरफ, कि अगर ऐसा किया तो जो हालात होंगे वो बिगड़ जाएंगे और स्टेट जो है एडवर्सरी को जो है कन्वेंस करे, मतलब एडवर्सरी को कन्वेंस करे। मिसाल के जैसे मैंने बताया ना कि जब US ने मुदाखलत की थी, एक और एग्जांपल हम अगर ले लें, जब US ने मुदाखलत की थी कोरिया में 1950, तो उसकी रीज़न्स ये भी थी कि US जो था USSR कम्युनिस्ट को बताना चाहता था कि USSR की इंटरवेंशन कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है यूरोपियन स्टेट्स के अंदर, अगर USSR ने की तो उन्हें रोक दिया जाएगा, ठीक है। ये एक क्लियर मैसेज था किसके लिए? USSR के लिए, फ्रॉम द साइड ऑफ अमेरिका। तो ये तो हो गए थे इसके कंपोनेंट्स। अब आते हैं जो मेन चीज़ है, वो है न्यूक्लियर डिटरेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू न्यूक्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट प्राइमरली सेंटर्ड अराउंड द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ कश्मीर। देखो इंडिया और पाकिस्तान का जब भी कोई मसला सामने आता है तो वो किस चीज़ पे? एक ही इलाका है, एक ही एरिया है, वो क्या है? कश्मीर। बोथ कंट्रीज़ हैव फॉट्स और इसी चीज़ पे इन्होंने काफ़ी वॉर्स भी लड़े हैं, जैसे 1999 भी एक वॉर लड़ी गई थी, फिर 2020 में ये फिर एक दफ़ा वॉर की तरफ जाने वाले थे लेकिन रुक गए थे। लेकिन 1999 आप सबको पता है एक वॉर हुई थी, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी हिस्ट्री है। न्यूक्लियराइजेशन दूसरा पॉइंट, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स। इसका सिंपल मतलब ये है, जैसे इंडिया ने 1974 में जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसी तरह पाकिस्तान को जब पता चला कि भाई अब मेरे लिए इंडिया एक ख़तरा है, तो बहुत से जो ममालिक थे उन्होंने कोशिश की कि इनके जो है इनको रोका जाए, मतलब स्पेशली पाकिस्तान को, कि न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने फिर क्या किया 1998 में इन बलूचिस्तान द एरिया ऑफ चागी, तो वहाँ पे जो है 28 मई को जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दिस न्यूक्लियराइजेशन सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द सिक्योरिटी डायलेमाज इन द रीजन। तो इससे क्या हुआ? सिक्योरिटी डायलेमाज जो है वो अल्टर्ड हुए, एडिंग अ न्यू डेमोंस्ट्रेशन डायमेंशन टू देयर कन्फ्लिक्ट। मतलब इंडिया के लिए भी एक पैगाम जारी हुआ कि भाई आप अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया उस वक्त कुछ भी कर सकता था, उसके पास न्यूक्लियर बम था। लेकिन अब जब दोनों स्टेट जब न्यूक्लियर लाइक मतलब दोनों के पास जब न्यूक्लियर बम्स आते हैं तो फिर एक दूसरे को थ्रेट करना वो थोड़ा मुश्किल बन जाता है।
डिटरेंस डायनेमिक्स। डिटरेंस डायनेमिक्स के फिर हमारे पास तीन कंसेप्ट आते हैं। पहला है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको हम MAD भी कहते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान सब्सक्राइब टू फॉर्म ऑफ MAD, वेयर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक रिटेलेशन सर्व्स एज अ डिटरेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एग्रेशन। बोथ कंट्रीज पोजेस द कैपेबिलिटी टू इम्प्लिसिट सिग्निफिकेंट डैमेज ऑन ईच अदर। मैंने अभी आपको बताया ना कि दोनों के पास इतना असलहा है, इतनी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर चीज़ें, कि वो दोनों एक दूसरे को तबाह कर सकते, किसी भी जगह इंस्टॉल कर सकते। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हालात ख़राब हुए थे, उन्होंने बॉर्डर्स पर इंस्टॉल करना स्टार्ट किए थे कि किसी ने किसी जगह पे, मतलब सबको पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो एक दूसरे को तबाह करने की दोनों में सलाहियत है। इंस्टेबिलिटी, द साउथ एशियन रीजन इज़ ऑफन करेक्टराइज बाई पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच एड्स टू कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डिटेंस। फैक्टर्स सच एज टेररिज्म, इंसर्जेंसीज एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स रेज फेयर्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉलिंग इन टू द रॉन्ग हैंड्स और मिसकैलकुलेशन लीडिंग टू एस्केलेशन। इसका सिंपल मतलब ये है, दोनों तो वाकई मतलब न्यूक्लियर बम्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें किसी गलत बंदे के हाथ में चली जाती, मतलब जैसे कोई दूसरा बंदा इसके रॉन्ग हैंड में चली जाती है, तो वो क्या पता इसको यूज़ भी कर ले। सो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी डायलेमा में आएगा, मतलब दुनिया के लिए एक ख़तरा है। आर्म्स रेस, ये इसका थर्ड पॉइंट है। किस चीज़ का? डिटरेंस डायनेमिक्स का। बाकी सबके कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन ये इसके तीन पॉइंट्स हैं। फिर अगला जो है इसके भी अगले तीन कुछ पॉइंट्स हैं। आर्म रेस, द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैज फ्यूल्ड एन आर्म्स रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद बोथ कंट्रीज कंटिन्यूसली सीकिंग टू इन्हेंस देयर न्यूक्लियर एर्सनल्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स टू मेंटेन डिटरेंस क्रेडिबिलिटी। मतलब दोनों जो है अपना आर्म्स जो है लाइक जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, जैसे इंडिया ने चांद पे अपने सिस्टम अपने लोग भेजे थे, इसी तरह पाकिस्तान ने भी यही किया। इट मींस अगर आप किसी राइवल के साथ रहते हैं तो आपको ये शो करना होगा। इसी तरह अगर कोई पाकिस्तान कोई मिसाइल बनाता है तो वहाँ पे इंडिया भी बना लेगा, ठीक है। अगर इंडिया बनाता है तो पाकिस्तान भी बना लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब आते हैं क्राइसिस सिचुएशंस। इंस्टेंसेस सच एज द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999, द मुंबई अटैक्स हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द पोटेंट। अटैक्स हुए हैं जैसे 1999 में वॉर हुई थी, 2008 में मुंबई अटैक्स, तो ये लोग इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पे लगाते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे जो है हालात ख़राब होंगे, हालात जब कुशीदा होंगे तो उससे क्या होगा, जंग की तरफ भी जा सकते हैं। कौन सी जंग? मामूली जंग नहीं है, मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक बटन का काम होगा, कोई लड़ने चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वो फायर करेंगे दुआ और वहाँ से वो फायर करेंगे, इट मीन्स एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड इन अ सेकेंड्स। द पुलवामा अटैक 2009 में हुआ, ये भी एक इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान ने किया है, हालांकि उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट चल रही थी, तो अपना सिस्टम बचाने के लिए समटाइम्स जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो करते हैं। ये सिर्फ इस दुनिया में, मतलब इंडिया पाकिस्तान में नहीं, हर मुल्क में इस तरह होता है। समटाइम्स दंगे फसाद कराए जाते हैं। अगर हम हिटलर की मिसाल ले लें, हिटलर ने करवाया था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। इंटरनेशनल कंसर्न, द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ क्लोजली मॉनिटर्स द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यू टू द एम्प्लिक। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी इन चीज़ों को देखती है, इंडिया एंड पाकिस्तान के सिचुएशन को। मतलब ये दोनों एक ऐसे मुल्क है, आपको पता है इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, मतलब अगर देखें तो दुनिया की थर्ड जो आबादी है वो इंडिया के पास है, और सबसे पहले पर नंबर पर आई थिंक चाइना आता है, फिर इंडिया है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे अमवात हो सकते हैं, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह पाकिस्तान की भी आबादी आई थिंक अभी तो 25 करोड़ तो होगी, क्यों जैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में आई थिंक 6-7 नंबर पे आते हैं पाकिस्तान, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिटरेंस, पाकिस्तान और इंडिया के फ्यूचर क्या होगा? देखो, इट हिंज ऑन सिवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इन दोनों को जाइए, मतलब अपनी जो डिप्लोमेसी है, ठीक है, ये जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करें, एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन में रहें, इट मींस नेगोशिएट करें चीज़ों पे। तो इससे क्या होगा, जो रिस्क होगी टेररिज्म की या जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर इन्होंने आपस में यही करना हो तो दुनिया को जो है इन चीज़ों से बचाया जा सकता है। इट मीन्स जो न्यूक्लियर चीज़ें हैं,
इसमें फिर यूरोप का भी जिक्र आता है। खैर हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान ने, एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान ने 1972 यूएन रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया पाकिस्तान ने 1972 यूएन रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एनपीटी और सीटीबीटी साइन कर ले सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से, लेकिन दोनों ने सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से नहीं किया। और इसी तरह 1974 में इंडिया ने और 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया, लेकिन फिर भी इन दोनों के वॉर हुई थी। कब? 2001-2002 में कन्फ्रंटेशन हुई थी, वॉर में जाने वाले थे लेकिन फिर नहीं गए। फिर इसी तरह मुंबई और पुलवामा हमलों के बाद, लेकिन फिर इंडिया का ये क्लेम करना कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। फिर आप ये भी लिख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के जो बजट्स वगैरह होते हैं, जिसमें ये लोग सिक्योरिटी पे कितना खर्च करते हैं, इनकी कितनी जो चीज़ें हैं वो जो है डिफेंस बजट में चली जाती हैं। और फ्यूचर में हम ये भी देख सकते हैं, फ्यूचर में ऑब्वियसली ये कश्मीर का इशू सामने फिर आता है, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म दे ब्लेम पाकिस्तान लाइक मुंबई। जब भी इंडिया में कुछ होता है तो ये किसको ब्लेम करते हैं? पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। पार्लियामेंट अटैक्स जैसे पुलवामा अटैक्स, इन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया था। इसी तरह मुंबई अटैक्स, इन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया था। एंड दे कैन बी अवॉइडेड बाई दैट टू जॉइंट रीजनल सिक्योरिटी, जैसे इस पैराग्राफ में पूरा बताया गया है कि अगर ये इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, जैसे कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना चाहता है, तो एक जॉइंट रीजनल सिक्योरिटी मैकेनिज़म जो है इन्होंने बनाना है और डिस्कशन करनी है इन चीज़ों पर, तभी ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।